सो नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन इज़राइल, वैल्यूएशन के ऊपर कौन सी ऐसी टॉप 20 प्रोडक्ट्स है जो कि हमने शॉर्ट की थी आपको एक्सप्लेन करने में, दिखाने में। तो उसी तरह से आज के इस वीडियो में हमने ग्रोथ रेट के हिसाब से शॉर्ट की हुई प्रोडक्ट्स जो है वो हम दिखाने वाले हैं, टॉप 20 प्रोडक्ट्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दे और वो बेल आइकन को क्लिक कर दे, साथ ही साथ हो सके उतना इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। राइट, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो प्रोडक्ट नंबर 20 जो कि ग्रोथ रेट के हिसाब से शॉर्ट की हुई प्रोडक्ट है, उसमें से प्रोडक्ट नंबर 20 जो है वो है 431% के ग्रोथ रेट के साथ चिल्ड्रंस पिक्चर्स, ड्राइंग्स और कलरिंग बुक्स। राइट, जो रेडीमेड बुक्स रहती है पिक्चर्स बनाने के लिए, जो किड्स के लिए यूजुअली जो बेनिफिट रहता है बनाई हुई रहती है, ऐसी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ऐसी बुक्स की बात हो रही है जिसमें ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। अगर आप स्टेशनरी या प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ बुक्स, अगर मैं कहूँ टू बी प्रिसाइज, बुक्स की प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर आप जुड़े हैं तो यस, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी प्रोडक्ट्स का जो वैल्यूएशन है 2020 में USD thousands में वो यहाँ पे दिया गया है, और एनुअल ग्रोथ रेट है 2017 से लेके 2021 तक के परसेंटेज पर एनम के हिसाब से 431% का ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारी प्रोडक्ट्स का जो लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, ताकि आपको अगर रिसर्च करना हो तो आपको इजी रहे। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट नंबर 19 एक केमिकल प्रोडक्ट है, पॉलीमर्स ऑफ इथिलीन। राइट, और ये प्राइमरी फॉर्म्स में चाहिए, और अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए ये एक सही न्यूज़ कह सकते हैं और सही अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। 443% का ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। 452% के ग्रोथ रेट के साथ बिल्डिंग एलिमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लोर्स, वॉल्स, पार्टीशंस, वॉल्स, सीलिंग्स, रूफ एक्सेट्रा। राइट, तो ये जो है वो बिल्डिंग एलिमेंट्स की बात हो रही है। बिल्डिंग एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रहता है। अभी आप अगर कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हैं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास है, तो आपको पता होगा बिल्डिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं। अब ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सारे कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो प्री मेड रहते हैं। जैसे कि हम बात करें ब्रिक्स वगैरह की, टाइल्स वगैरह की, जो वॉल्स है, वॉल्स भी अभी तो प्री मेड आने लगी है। आप जो भी साइज़ में चाहे उन साइज़ की वॉल्स, फिर जो ये प्लिंथ रहता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो आप बहुत अच्छी तरह से जो है वो मैन्युफैक्चर या तो सोर्सिंग करके इंडिया से भेज सकते हैं इज़राइल में। यहाँ पे 452% के ग्रोथ रेट के साथ डेफिनेटली एक कंसिडरेबल प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट में जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये भी है कि ये एक नया बिज़नेस भी आप जो है वो सोच सकते हैं, इसके लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपटीशन शायद हो सकता है बहुत ही कम मिले, और जहाँ पे वैल्यू हो, जहाँ पे डिमांड हो और जहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ हो, जिन प्रोडक्ट में आने वाले टाइम में भी ग्रोथ आपको दिखाई दे सकता है, 452% यानी कि एक सही ग्रोथ रेट आने वाले टाइम में भी रह सकता है और कंपटीशन सामने से कम हो, तो ये प्रोडक्ट जरूर कंसिडरेबल प्रोडक्ट हो सकती है। राइट, नेक्स्ट इन द लिस्ट इज ट्रंक, सूटकेस, वैनिटी केसेस, एग्जीक्यूटिव केसेस, ब्रीफ केसेस, स्कूल्स, सेशेल्स एंड सिमिलर कंटेनर्स। राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स और ट्रंक्स और सूटकेस जैसी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। अगेन, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको शायद हो सकता है एक्सपोर्ट की जब बात आए तब कंपटीशन कम मिले। 459% के हिसाब से यह है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 17। प्रोडक्ट नंबर 16 है आर्टिकल्स ऑफ टीन। टीन से बने हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। राइट, वो ज़्यादातर कंटेनर्स रहते हैं और दूसरी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि टीन से बनती है और वो डिफरेंट पर्पजेज में यूज़ में ली जाती है। प्रोडक्ट नंबर 15 है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, पुट अप इन मेजर्ड डोजेस और इन फॉर्म्स ऑफ पैकिंग्स फॉर रिटेल सेल्स। राइट,
स्पेसिफिकली ये हो सकता है एक जो है वो फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी हो, ऐसी कोई प्रोडक्ट की बात हो रही है और इसके लिए आप ज़्यादा रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं। 481% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 15 है। प्रोडक्ट नंबर 14 अगेन एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल प्रोडक्ट है और ये भी एक कंसिडरेबल प्रोडक्ट कह सकते हैं 487% के ग्रोथ रेट के साथ। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नंबर 13, वायर ऑफ आयरन नॉन एलॉय स्टील और इन कॉयल्स प्लेटेड और कोटेड, राइट। जो वायर्स रहते हैं आयरन और नॉन एलॉय स्टील के जो वायर्स रहते हैं वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ में लिए जाते हो, ऐसे वायर्स रहते हैं वहाँ पे, ऐसे वायर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यूजुअली आपने देखा होगा जब हम जो है वो बॉर्डर्स में यूज़ करते हैं, जो दो फार्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जो बीच में बॉर्डर लगाई जाती है, ऐसे बॉर्डर्स में यहाँ पे यूज़ में ज़्यादातर ऐसे जो मटेरियल्स, ऐसे वायर्स रहते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं, राइट। प्रोडक्ट नंबर 12 की बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे हमने प्रीवियसली बात की, ये अगेन स्पेसिफिकली जो है वो फार्मास्यूटिकल या तो मेडिसिनल प्रोडक्ट है और इसके लिए आपको ज़्यादा रिसर्च ज़रूर करना होगा। 588% के ग्रोथ रेट के साथ ये इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 11 है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसराइल में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत आगे है, वहाँ पे R&D उतना ज़्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और वहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो लोग बहुत एडवांस है, बहुत ही आगे है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के में, ऐसी रिसर्च में, ऐसी चीज़ों में उन लोग को जो है वो इक्विपमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर हम कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं आने वाले टाइम में। 603% के ग्रोथ रेट के साथ यह है रडार एपारेटस, राइट। प्रोडक्ट नंबर 10 है हैंडमेड पेपर एंड पेपर बोर्ड्स ऑफ एनी साइज और शेप, 629% के ग्रोथ रेट के साथ ये है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 10। ये हैंडमेड पेपर और पेपर बोर्ड की बात हो रही है, आपने देखा होगा पेपर्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहती है और ठीक वैसी ये प्रोडक्ट भी है। प्लेन वोवन फैब्रिक ऑफ कॉटन कंटेनिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 85% ऑफ कॉटन बाई वेट एंड वेटिंग ग्रेटर देन 100 ग्राम टू 200 ग्राम, राइट। तो बहुत ही सही प्रोडक्ट है अगर आप जो है वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं, और टेक्सटाइल में अगर आपके सोर्सिंग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बेसिकली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौजूद है। प्रोडक्ट नंबर 8 है पिगमेंट्स इंक्लूजिंग ऑफ मेटलिक पाउडर्स एंड फ्लेक्स डिस्पर्स्ड इन नॉन इक्वियस मीडिया इन लिकर और पेस्ट, राइट। कलरिंग की बात हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइंग के पर्पज़ में और दूसरे भी कई सारे ऐसे पर्पजेज रहते हैं जहाँ पे कलरिंग जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं। 652% का ग्रोथ रेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट नंबर 7 है पॉली यूरेथेंस इन प्राइमरी फॉर्म्स, राइट। अगेन ये केमिकल प्रोडक्ट है और डेफिनेटली आप अगर ये जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो इस लिस्ट की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप सोर्सिंग करके इसराइल में एक्सपोर्ट करने का सोच सकते हैं। 661% के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 7 है। प्रोडक्ट नंबर 6 अगेन एक केमिकल प्रोडक्ट, 858%, राइट। 858% की जो है वो ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 6 है, आप देख सकते हैं। और प्रोडक्ट की ज़्यादा रिसर्च करना हो तो एज आई सेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है सारी प्रोडक्ट्स का लिस्ट। प्रोडक्ट नंबर 5 अगेन एक गारमेंट प्रोडक्ट है, मेंस और बॉयज गारमेंट्स ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक्स रबराइज्ड और इम्प्रेगनेटेड कोटेड कवर्ड और लेमिनेटेड, राइट। ऐसे फैब्रिक्स की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है अगर आप सोर्सिंग कर सकते हो तो। 892% एक ऐसा ग्रोथ रेट है जो कि आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। टॉप 20 प्रोडक्ट्स की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन अब उन टॉप 20 प्रोडक्ट्स में से भी टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो है वो अब आ रही है। इन टॉप 5 प्रोडक्ट्स पे हमें आगे बढ़ने से पहले आपका सब्सक्रिप्शन और वो बेल आइकन को क्लिक करना तो ज़रूर बनता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 4 है बेस मेटल माउंटिंग्स फिटिंग्स एंड अदर सिमिलर आर्टिकल्स सूटेबल फॉर मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स में लिए जाने वाले, यूज़ में लिए जाने वाले जो
इस टाइप के जो है वो माउंटिंग्स की बात हो रही है। माउंटिंग्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स में डिफरेंट यूजेज में लिए जाते हैं, तो उनका भी एक सही जो है वो ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं, 1051% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 4 है ये। प्रोडक्ट नंबर 3 है ग्लास फ्रिट एंड अदर ग्लास इन द फॉर्म ऑफ पाउडर ग्रेन्यूल्स और फ्लेक्स, 1689% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 3 है। ग्लास की साथ इंडस्ट्रीज के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। प्रोडक्ट नंबर 3 होना यानी अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, इवन वो भी ग्रोथ रेट के साथ, राइट। प्रोडक्ट नंबर 2 है अगेन एक केमिकल प्रोडक्ट है, 1947% का ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइक्लिक अल्डिहाइड्स और विदाउट अदर ऑक्सीजन फंक्शन, राइट। अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए इसराइल में जैसे मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। प्रोडक्ट नंबर 1 ये है ट्रेस डिशेस प्लेट्स कप्स एंड द लाइक्स ऑफ पेपर और पेपर बोर्ड, राइट। पेपर से बनी हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेज है, कप्स है, डिशेज है। अब ये ज़्यादातर देखा होगा आपने, ये जो प्लास्टिक का हम ये जो है वो बॉयकॉट कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो प्लास्टिक मटेरियल्स को यूज़ नहीं करती है, और पेपर जो है वो डेफिनेटली एक सही मटेरियल रहता है, इको फ्रेंडली मटेरियल रहता है जो पॉल्यूशन को हार्म नहीं पहुंचाता है, ऐसा मटेरियल है। और ये आसानी से वेस्ट भी हो सकता है, और इसका प्रोसेस जो है वो साइकिलिंग का रिसाइकिलिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस रहता है। तो ये प्रोडक्ट इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 1 है, और इसराइल में डेफिनेटली इसकी प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। लाइव इंस्टीट्यूट में हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन डेप्थ मैनर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने में तो अभी आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।